नमो नुवे सौरियंताम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायिरियाम नमो नुवे सौजायनम नमो नुवे सौत्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मंगल नमस्म स्वानुभूति उपदेश चलते हैं 42 गाथा हुई 42 कहते हैं तुम्हारे उसमें ऐसा आया आत्मा अपना स्वरूप शुद्ध आनंद उसकी दृष्टि लगाकर उसमें लीन होने होते हैं जो आप मुख्य कर्तव्य सब जान्या सब मान्या सबका सार आत्मा एक समय में शुद्ध पूर्ण स्वरूप सामान्य ध्रुव वो तरफ का झुकाव करके लीन होते हैं तो उसको स्मरण निद्रा विशेष होती है। वो समय में मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसा हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं। ऐसी आत्मा का इंद्रिय आनंद स्वरूप उसमें रुचि जम जाती है और उसमें तत्परता हो जाती है तो ऐसा विकल्प होता नहीं कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ मैं कौन अनुभव करता हूँ। तो शिष्य को प्रश्न हुआ यहाँ पर शिष्य कहते हैं भगवान मुझे आश्रय होता है ऊपर है यादव पास रखेंगे मुझे आश्रय होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दिशा का हो जाना कैसे संभव है। महाराज आप तो कैसी कोई बात कहते हो ऐसी विलक्षण आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद में जम जाए तो उसको मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसे हूँ उसका विकल्प भी नहीं ऐसी दशा होती है। समझ में आया तो शिष्य कहते हैं कि ऐसा आश्रय मेरे तो होता है ऐसी विलक्षण जगत से भिन्न विभिन्न और अनादि काले नहीं जानी ऐसी भिन्न की दशा का हो जाना कैसे संभव है। समझ में आया ऐसी दशा का हो जाना कैसे संभव है ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसका उत्तर कहते हैं आचार्य कहते हैं विमन तेरा प्रश्न बहुत अच्छा मत हे बुद्धिमंत सुनो अथवा समझो धीमन निबोध सज्जन भाई धीमन निबोध चंद्र संस्कृत हे बुद्धिमंत तुम समाज भगवान आत्मा उसका अंतर अतीन्द्रिय स्वरूप का आनंद हुआ और उसकी दृष्टि लग गई उसमें तो उसमें लीन होते हैं कैसे हैं वो कहते हैं देखो यो यत्र निवास यास्ति स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमति तस्मात् नत्र सन गच्छति। जो जहां निवास करने लग जाता है लौकिक दृष्टांत पहले दिया है जहाँ मनुष्य का वास जो मकान गांव में रह जाते हैं जहाँ उसकी प्रीति जम जाती है ये गांव में कोई मकान में कि झोपड़ा में जहाँ जहाँ जिसका निवास हो क्या क्या उसकी प्रीति जम जाती है यहाँ से निकलने का उसको नहीं ठीक पड़ता। समझ में आया लौकिक में भी जहाँ मकान इच्छा दिखा अरे झोपड़ा हो अपना आया पर क्या 5-10-25 वर्ष क्या रहते हैं थे और लती जम गई कहीं आए मेरे ठीक है
तो उसका क्या प्रीति होती है? प्रीति कोई हटा सकते है? नहीं, लग जाते हैं वहां, रमने लग जाते हैं, क्या प्रीति करते हैं, और जहां लग जाता है वहां वहां से फिर हटता नहीं। मकान में जैसे प्रीति लग गई तो त्या से निकलते है। गांव हो छोटा, पैसा वाला बहुत है, पर छोटा गांव में उसको निकलना ठीक ना पड़े। अच्छा, बहुत सुंदर सफाई हो गई है, निकल जाए मकान बना तो ये थे आखिर लाइन खड़ी गई थी। पहले तो कैसा वाला होता था ना, तो अपना अपना छोटा गांव में क्या रहे, बस हमारा गांव नो मकान है हमारा है, बदल बीती नहीं क्यों नहीं तुम्हारो भाई मेहमान मकान बीती नहीं क्यों के नागनेश ने अहीं तो पहले छोटा गांव में भी कहा था ना, कम से कम उम्र वाला में कहा छोटा गांव 4,000-5,000 तो मकान था, पैसा वाला नहीं छत पहला बेच लिया। पीछे पैसा वाला हुआ तो उसकी माता के भाई अपना पुराना मकान चाहे जितना पैसा ले तो पर लेना चाहिए अपने, माता अपने कैसे दे, वो भी पैसा वाला है तो मकान दिया वो भी पैसा वाला है, मेरे को कैसे दे कि आपने तो 500-700 में दिया था तो अभी तो 1500 रुपया उसका उपजे तो बड़ा बहुत है, इतना मकान है बहुत विशेष में, पर माता क्यों दे मेरे को, तो जाओ तो खराब आए। तो उसके कहा तुम्हें मेरे मकान मेरी माता को दे, पुराना मकान लेना है क्या है भाई हमारा तो बेचना है, पर कीमत कीमत 10,000 बैठेगी वो लोग है लैका करो के 10 लिखने क्या हमारा पुराना मकान है 1500 का मकान था 10,000 लिखने लो के मारे भूलो के 10,000 देकर ले लिया कि हमारा पुराना मकान हमारा जन्म त्या वो मकान में था, हमारी माता को त्या प्रेम है और त्या की हटना उसको रुचे ऐसे हैं। जो मनुष्य जिस नगर आदि में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से विषय जो नगर आदि का हाँ ये तो क्या सिद्धि लिखते हैं नगराधीप में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से बंधुजनों के आग्रह से है, बंधुजन आग्रह नहीं किया तो मैं दुकान नहीं छोड़ना अनाज ने इसकी ये फल कैसे कहे हो आ तो बड़ा पैसा वाला थे अखबार भी है अभी अहमदाबाद में छोड़े क्यों समझाया आगे नहीं पर बधाने मैटी थे सर आ तो दाप रो बंधुजनों के आग्रह से निवासी बनकर जो भैया अपना मूल गांव नहीं छोड़ना हो भाई अपना माता पिता का दस पीढ़ी का गांव है नहीं छोड़ना क्या रहना अपने संतोष में क्या रहने लग जाते हैं उसमें इन तरफ से चित हटाकर आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। देखो हमारे का यहाँ आनंद है बस, हमारा छोटा गांव गार का मकान है छोटा साधारण बस ठीक है हमारे में समझ में आया आनंद इतने क्या मजा मानते हैं कि हमारा गांव अच्छा है, वहां से दूसरी जगह नहीं जाता। यह सभी जानते हैं, दुनिया जानते हैं, छोटा गांव में भी पड़ा हो तो ऐसा हो क्या भी क्या रहते आनंद मानते हैं, क्या प्रीति नहीं हटती क्या। इसलिए समझो कि आत्मा में अध्यात्म रहने वाला योगी भगवान आत्मा अनाकुल आनंद का रसकंद प्रभु आत्मा है, ऐसी धर्मी को अंतर्दृष्टि रुचि हो गई है समझ में आया, और पीछे उसमें लीन होते हैं तो ऐसी विभिन्न दशा तुम आश्रयकारी कहते हैं ऐसी हो जाती है, उसमें हटने का भाव नहीं होता। अंतर असिंदी साध आत्मा का आते हैं उसको दूसरा स्वाद लेने की वृत्ति होती समझ में आया। आधर्म आधर्म अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा उसकी अंतर्दृष्टि किया और संगत दर्शन समझ में आया और उसमें विशेष लीनता जम गई उसमें, तो मैं कौन हूँ कहाँ हूँ ऐसा विकल्प होता, ऐसी विभिन्न आश्रयकारी दशा उत्पन्न होना असंभवित नहीं।
ये असंभविक जो नजर का दृष्टांत देकर कहा वो तो लोग भी ऐसे करते हैं, तो आत्मार्थी परमात्मा का स्वरूप अपने में देखते हैं, अपनी प्रति भरोसा का विषय आत्मा में आ गया है तो उसमें लीन होने में विशेषता क्या है नया वो समझना है भाई। आत्मा में अध्यात्म रहने वाला भगवान आत्मा क्यों कि विषय सुख में तो आकुलता दिखती है, आत्मा में अनाकुल दिखता है। समझ में आया, विषय सुख का पराधीन दिखते हैं, आत्मा का आनंद स्वाधीन दिखते हैं। अतर आनंद धर्मी को स्वाधीन दिखते हैं, पंचेन्द्रीय का आप अचेन्द्रिय के शब्द रूप स्पर्श आकुल सारी पराधीन दिखते हैं, आकुलता दिखते हैं, इंद्रिय का विषय में मंदता कारण दिखते हैं, भगवान अनाकुल आनंद का विषय में एकाकार होकर बंद का खेद देखते हैं। समझ में आया, निर्धारण अधिकार से मूल निर्धारण विशेष करने की दशा की बात है। समझ में आया, भगवान आत्मा अपनी पीढ़ी पुराणानंद की अंदर देखते हैं तो पीढ़ी से हटना चाहते, वो 5-25 लाख की पूंजी हो और पीढ़ी चलती हो बड़ी अच्छी, तो पीढ़ी से निकलते हैं क्या से थोड़ी आई थोड़ा प्रेम है यहाँ उसका जो मनुचंद भाई ने थोड़ो पण भाग रखो न हटता नहीं क्या थोड़ो भाग है छोकरा पे भागू बटे जो मनुचंद भाई आप एक डाक लो एम बीजा घना ने एम है भाग पैसा पहले थी बता जुदा जुदा होता छोकरा मन कई ना खोटा मत कोई पूछतू न पड़त जेमा जेनी पीढ़ी जानती है ये पीढ़ी में से हटना चाहते बस जेमा मजा पड़े ना किधो ना वो हमारे क्या गुंगा खाते थे गुंगा है गुंगा समझते नाका मैल और से दांत में रखकर जीभ लड़ाते थे। छोटी उम्र की बात नहीं किया था मैं 65 वर्ष पहले की हम पढ़ते थे 10-12 वर्ष की उम्र में तो निशाव में एक भाषा था भाषा नहीं होते समझे ज्ञाति भाषा होती है उसका नाम सुंदर सुंदर था कान का जैन था तो ऐसा नाक कैसे दांत में काटकर जीभ लड़ाते अरे सुंदर क्या करते आप अरे माँ भाई टीव पड़ी गई मैंने और बेचारे में कहते नाक का मेल काट कर दांत में लगाकर जीभ लड़ाते स्वाद देते जीभ से कौन जाने क्या ध्यान अपने करते ख्याल एटू ख्याल अमे कहूं छो अमे तारी के भाई अमे ज्या निशाल में मुख्य तो बता ने शू कहवा मोनिटर शू कहवा मुख्य हो बीजू कहीं कहते बीजू अपने मास्टर बात न हूँ भाव तो छोकरा कहीं बीजो समझो कई वक्त मोटो छोकर निशाओ बिचारा के भाई मैंने टेव पड़ी गई जाओ ए बिचारा कहो मैंने टेव पड़ी गई डूंगा खावा रस चटवा एम एने टेव ये नहीं चलती तो जिसको आत्मा का आनंद का स्वाद आया उसमें से क्यों खपे समझ में आया भगवान आत्मा जो धर्मी की दृष्टि आत्मा का आनंद ऊपर है सम्यक दृष्टि जी अपना में आनंद देखते हैं बांटते हैं अनुभव करते हैं उसमें एकाकार तिल्लीन होने से ऐसी विलक्षण विभिन्न आश्रयकारी दशा उत्पन्न होती है कि जिससे निद्रा होती है अशुद्धता का नाश और शुद्धि की वृद्धि होती है। वो समझ में आया विषयों तो पराधीन बंधन का कारण आकुलता
और वो मिले नहीं पर हो के नो आत्म आत्मा का आनंद स्वाधीन स्वाश्रय अनाको बंधन विना की चीज और अंतर में जितनी एकाग्रता हो इतना आनंद प्रकट होता है। समझ में आया? आप तो निश्चय की बात में आनंद है न निर्द्रा है वो बातचीत करते हैं। व्यवहार कैसे बंद का कारण है एम कहते हैं यहाँ तो। समझ में आया? कल नौता कह हूँ बाकी रहेगी चिंता बात हो चौपड़ी की नहीं तो निकालो विकल्प की से नहीं हो नीचे वो सामान का दृष्टि अभी विशेष आएगा जुम्मन में आएगा विशेष है ना अगतन तंत्र अविशेषण अनभिज्ञ अविशेष चुम्मन भले यानी देह नो अर्थ रहो विशेष खरी तो पोता विशेष नहीं जो यहाँ 84 बोल में रात्रि को विशेष कहा था समझ में आया कि उन लोगों यशो विजी श्वेतांबर में हुए हैं एक महामहोपाध्याय समझ में आया 350 वर्ष पहले महामहोपाध्याय तो उसको बुद्धि वाला था सूक्ष्म था पर जिसका रुचि हो तुम कहे ने तो उसने 84 बोल दिगंबर की भूल निकाली थी उसकी भूल निकाली थी वो अपना हेमराज पांडे तो उसकी बोल 84 यहाँ है 84 बोली है हमारे पास है सब बात है दो ही बोल आप भी बोलो वो भी बोल है निकाला आया आप बोल देखो उसमें एक बोल ऐसा निकाला कि निश्चय नहीं पहले कहे पीछे ले व्यवहार भाषा क्रम जाने नहीं जैन मार्ग को तार नहीं निश्चय में शिष्य गुरु क्रिया क्रिया फलो करता नहीं भोगता नहीं विफल समय संयोग ताते तो मिथ्या मती जिन कर जैन क्रिया परिहार व्यवहारी सो संकृति कहे बात व्यवहार जो क्या कहते हैं कि दिगंबर लोग अनादि से जैन की परंपरा में वो पहले निश्चय हो तो व्यवहार हो ऐसे कहते हैं ऐसा उसने जान लिया था पंडित जी। हाँ महामहोपाध्याय जी पदवी थी बनारस की वो भी कहते थे कि दिगंबर लोग तो पहले नीचे ही कहते हैं देखो नीचे ही नहीं पहले के क्यों कि सनातन यदा धर्म है सनातन वस्तु का स्वरूप है क्यों कि नई जो ज्ञान है नए तो नए ज्ञान प्रमाण ज्ञान बिन होता नहीं अने प्रमाण ज्ञान संयक दर्शन बिना होता नहीं अने संयक दर्शन सामान्य ध्रुव का अवलंबन बिना होता नहीं समझ में आया भगवान आत्मा ओ अभी उसमें बहुत कहेगा 44 में तो आत्मा समान एक स्वरूप ध्रुव जिसकी दृष्टि में निमित्त तो नहीं विकल्प तो नहीं पर अपनी विशेषता का प्रकार भी नहीं अपना विशेष प्रकार भी दृष्टि का विषय नहीं पंडित जी हाँ अभिषेक दृष्टि सामान्य दृष्टि वो तो पंडित जी थी रात्रि को नहीं आई थी काले था हाँ काल नहीं थे वो नहीं था आ नहीं थे काल को बहुत करता हूँ रात्रि को समझ में आया वो आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध ध्रुव ऐसी दृष्टि हुए बिना संयक दर्शन होता नहीं अने संयक दर्शन हुए बिना साथ में शुद्ध ज्ञान प्रमाण होता नहीं अने शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुए बिना प्रमाण का अवयव ऐसा नहीं होता नहीं प्रमाण अवयव ही है निश्चय ने व्यवहार नए अवयव है तो पहले संयक दर्शन हुए बिना निश्चय की दृष्टि हुए बिना उसको नए होते नहीं तो पहले व्यवहार नहीं पीछे निश्चय ये वस्तु में है नहीं समझ में आया युगराज जी है ओ, समझ में आया क्या कारण है कि वस्तु एक स्वरूप त्रिकाल है शुद्ध ध्रुव
और हे विनायक उसका दृष्टि में आए बिना संजक दर्शन होता नहीं। संजक दर्शन की साथ भाव शुद्ध ज्ञान होता है और भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण है। तो भाव शुद्ध ज्ञान का दो भेद अवय निश्चय ने व्यवहार। तो ज्ञान निश्चय को जानते हैं और राजा भी उसको व्यवहार को जानते हैं। दृष्टि का विषय अभेद है। समझ में आया? पहले भूयत्थम वसीदो खलु समाई थी अवई जीवात्मा सिद्धांत काली मंत्र जैन शासन का वस्तु दर्शन का बराबर। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना सामान्य अविशेष स्वरूप सामान्य अविशेष स्वरूप भेद नहीं गुण भेद नहीं पर्याय भेद नहीं राग नहीं निमित्त नहीं ऐसी अपनी पूर्ण चीज तरफ दृष्टि के बिना उसको संजक दर्शन होता नहीं। पहले संजक दर्शन उससे आश्रय से होता है और वो दर्शन हुआ तो साथ में शुद्ध ज्ञान भाव प्रमाण ज्ञान पर्याय में हुआ। दर्शन भी पर्याय है और शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी प्रमाण भी पर्याय है। बराबर। समझ में आया? वो पर्याय है ना। क्या है लोग क्या तो मिथ्या ज्ञान क्या ज्ञान तो क्या बात है। समझ में आया? वो निश्चय ही नहीं पहले कहे उसने पकड़ लिया है। दिगंबर जैन सनातन धर्म में निश्चय पहले कहते हैं। बात सच्ची है। वो निश्चय पहले कहते हैं नहीं ऐसा होता है, है? होता है। तो वो लोग को कहते पहले व्यवहार पीछे निश्चय। तुम लोग भी ऐसे प्रश्न करते हैं बारम्बार पहले व्यवहार तो सितंबर का बाप हो गया तुम सब। बड़ा है ना वो कौन थे ऐसे थे निकले थे तू अपनी मूल दृष्टि भूल गया। मुनिपणा जो थे अप्रम दिशा वो तो नग्नपणा होता है तो अंतर्दृष्टि पूर्वक नग्न दिशा आ जाती है। तो ये दशा भूल गया तुम। 12 वर्ष की दुकान पड़ा बहुत तीन तो उसमें दिगंबर पंथी अनादि का था तो 12 वर्ष का बहुत दुकान पड़ा नबी न सके कपड़ा बिना तो कपड़ा लेकर मुनिपणा ऐसा मानने लगा तो दृष्टि पड़ गई। समझ में आया? ऐसा होता नहीं। अंदर में अनुभव दृष्टि होती है और जब स्थिरता मुनिपणा की योग होती है तो उसको राग वस्त्र लेने का उपन होता ही नहीं। ये वस्तु की स्थिति है कोई संप्रदाय का बांधा कर आए ऐसा नहीं। संप्रदाय बांधा तो राग होता ही नहीं है। ऐसा राग ही उत्पन्न होता नहीं कि वस्त्र को लग जाए उसका। ये भूमिका ऐसी है। समझ में आया? मुनि की छठी भूमिका ऐसी है कि जिसमें आहार आधार करने का विकल्प नहीं वस्त्र पात्र लेने का राग उत्पन्न हो ऐसी भूमिका ही नहीं हो। समझ में आया? तो वो वस्त्र लेने का भाव हो गया और मुनि पर मान लिया दृष्टि भर गई तो पीछे व्यवहार पर आ गया उसको कि व्यवहार करो व्यवहार करो भैया भगवती भक्ति करो व्यवहार करते नीचे होता है। आज अनादि सनातन वितराग मार्ग में निश्चय हो तो व्यवहार को है अपना द्रव का आश्रय लिया सम्यक हुआ तब ज्ञान प्रमाण हुआ तब दोनों पड़ गई। एक नए सामान को देखते हैं एक नए विशेष राग को आदि देखते हैं तो नए है नए है तो उसका निक्षेप भगवान की मूर्ति आदि व्यवहार हो गया। निक्षेप एक ज्ञे है नए विषय है वो विषय है। जब निश्चय नय हुआ तो भगवान की प्रतिमा निक्षिप्ता शुभ राग में उसका आदर आ गया। समझ में आया? ये वस्तु की ऐसी स्थिति है कि बनी बनाई नहीं है तो निश्चय पहले है। समझ में आया? पर निश्चय अपना द्रव का आश्रय लिए बिना संजय ज्ञान हुआ कहां से? अने संजय ज्ञान हुए बिना नई कहां से हुई? नई तो प्रमाण ज्ञान का अवयव भाग है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण है अवयवी है नई अवयव है। अवयवी बिना अवयव कैसा? शरीर नहीं तो उसका अंग उपांग है ऐसा कैसा आया?
समझ में आया। वो कहते हैं वो यथार्थ कहते हैं, भूल निकालते हैं बराबर निकालते हैं, वो नीचे ही पहले कहते हैं। वो कहते पहले कहे नीचे, तो नीचे ही पहले है। व्यवहार क्या पहले? व्यवहार तो अंधला राग है, वेद है पंडित जी। समझ में आया? तभी तो व्यवहार को व्यवहार जानने लायक हो गया। वो व्यवहार राग आदि हुआ, राग आदि हुआ वो व्यवहार है। पंचमावर्त का परिणाम आते व्यवहार है, पर अंदर नीचे अनुभव दृष्टि हुई, स्थिरता हुई, नीचे है क्या व्यवहार है। नीचे पहले पीछे व्यवहार होता है, ऐसी वस्तु की स्थिति है। समझ में आया? पीछे साथ है ऐसा कहने में आया। यहाँ तो वही पुकार करते हैं, सब पंडित लोगों को कहा था, देखो कि तो आते भी बताया था, 30 साल 19 वर्ष हुआ यहाँ विद्युत परिषद भरी थी ना, वो बताया देखो देखो क्या है देखो। हाँ लिखते हैं कि व्यवहार पहले नीचे पीछे है। वो कहते हैं कि दिगंबर पहले नीचे ही कहते हैं पीछे व्यवहार, तो तुम तो ऐसा तुम्हारा प्रश्न होता है सबका, व्यवहार देंगे पहले व्यवहार दे पहले व्यवहार दे, वो हो तो नीचे होता है, वो हो तो क्या नीचे का हेतु कौन? समझ में आया? सामान की अभी आई जाओ अमर, समझ में आया? भगवान आत्मा निमित्त से हटकर, राग से हटकर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, गुणगुणी भेद का लक्ष्य छोड़कर, एक स्वरूप है भगवान आत्मा, भूयतम भूतार 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 सच्चा सच्चा त्रिगा। ऐसा अंतर्दृष्टि देने से भूयतम सिदो खड़ो समाही थी हवि जो भगवान का वचन 11वीं गाथा समझता। तरण का तरण लोक में फिरे नहीं, ऐसी सच बात है। समझ में आया? तो संयक दर्शन हुआ, साथ में समय ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ, ऐसा थे है सुज्ञान हुआ तो उसमें दो भाग पड़ गए, एक सामान्य को देखने वाला नहीं, एक विशेष को देखने वाला नहीं। विशेष को देखने वाला को व्यवहार कहते हैं, सामान्य को देखने वाला को व्यवहार कहते हैं। ठीक कहते हैं, दो को साथ में देखने वाले को प्रमाण कहते हैं। समझ में आया? हाँ वस्तु ऐसी बहुत गड़बड़ हो गई। आई पण आचार पुत्र आसान कहते हैं भाई, यहाँ अपना स्वरूप की दृष्टि जम गई, विनायक चिदानंद का पहले दृष्टि जम गई, तो मैं तो आनंद हूँ, तो आनंद का स्वाद लेने में जहाँ तत्पर हुआ, तो ऐसे विकल्प क्यों रहते हैं उसमें? नए वो व्यवहार क्यों रहते हैं? हम कहते हैं पहले भी जब स्वभाव का अनुभव किया तब भी व्यवहार का गौण हो गया, और नीचे ही स्वभाव का मुख्यता हो गई, मुख्य हो गया। नीचे ही मुख्य नहीं, मुख्य नीचे हो गया। समझ में आया? मुख्य जो त्रिकाल भगवान अपना प्रयोजन सिद्ध करने को नीचे ही स्वार्थी है, व्यवहार पर आते है, पर नीचे में भी मुख्य तो नीचे है, नीचे के मुख्य नहीं। तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने को एक समय में सामान ध्रुव तरफ झुके बिना उसकी निर्मोह पर्याय एकत्व की प्रकट होती नहीं। वो माके मुख्य द्रव्य सामान है, उसको मुख्य करके नीचे कहा, उसका आश्रय करके संयम दर्शन होता है, तो उसके प्रमाण ज्ञान और पीछे नहीं होते। बराबर समझ में आया? हाँ हाँ गड़बड़ खबर नहीं संप्रदाय की क्या परंपरा की चली आती है, आचार्यों संतों मुनियों सर्वज्ञों क्या कहते हैं उसकी खबर नहीं। क्योंकि हमारे धर्म करना, हम धर्म करते हैं, चलो फिर तो व्यवहार करो, व्यवहार करो, कुछ कुछ व्यवहार तो आता है कि नहीं, तू में आता है कि नहीं, पर कौन आता है संतों से ही। समझ में आया? भगवान आत्मा की निधि सामान चिदानंद प्रभु, उसकी जिसको दृष्टि हुई आनंद का प्रेम हो गया, राग का निमित्त का प्रेम उड़ गया, गर्मी को राग समझ में आया, राग निमित्त का प्रेम उड़ गया। आते हैं होते हैं
जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। वो कहते हैं अपूर्व आनंद का अनुभव क्या क्या, देखो समझो का आत्मा में अध्यात्म रहने वाला योगी अनुभूत अनंत काल में नहीं अनुभूय हुआ ऐसा अनुभूत जैसे पहले कभी नहीं अनुभव हुआ था। आनंद का अनुभव अनंत काल में हुआ था कभी, समझ में आया? इस सम्यक दर्शन में आनंद का अनुभव हुआ, पर पीछे भी विशेष आनंद का अनुभव पहले ऐसा नहीं अनुभव हुआ था। हाँ हाँ हाँ, अपूर्व आनंद आता है एम कहते हैं, हर समय में अपूर्व आनंद आता है एम कहते हैं, समझ में आया? भगवान आत्मा एकिला अतिन्द्रिय आनंद से भरा, अतिन्द्रिय आनंद वही आत्मा नित्यानंदमय स्वरूप भगवान, बस अतिन्द्रिय आनंद नित्यानंद प्रभु आत्मा। आत्मा का विश्वास किसको कहते हैं? मेरे में आनंद है, विषय में आनंद नहीं, विषय तरफ का झुकाव का राग में आनंद नहीं, समझ में आया? पर तरफ की आकुलता मेरा तरफ से अनाकुलता, पर तरफ की पराधीनता मेरा तरफ थी, पर तरफ का बंदगा कारण, स्वाश्री का निद्रा का कारण, समझ में आया? ऐसी अंतर्दृष्टि हुई तो कहते हैं अनुभूत क्षण क्षण उसको विशेष आनंद ऐसा आता है, पहले इतनी आनंद की पुष्टि हुई नहीं थी, ऐसे अतिन्द्रिय आनंद में गर्का एकाकार होते हैं अनुभूत को, अपूर्व आनंद का अनुभव होते रहने से। देखो उसकी अध्यात्म के सिवाय दूसरी जगत प्रवृत्ति नहीं होती, समझ में आया? अग्नि की ज्वाला होती हो उसमें से निकले और ठंडा पानी में पड़ा बर्फ जहां से निकल कर अग्नि में जाए, है समझ में आया? अपना शांत 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 स्वभाव और कसाई भगवान आत्मा, उसकी जहां दृष्टि हुई तो उसमें लीनता हुई तो बाहर क्यों निकले कहते हैं, समझ में आया? ऐसा बाहर का विकल्प में ऐसा वन पैसा ऐसा विकल्प करे क्यों? संसार में मशगूल हो जाते नहीं, मशगूल मरे तो कौन खबर न पड़े, छोकरा ऐसा प्रीति हो छोकरा माटे दूसरी माटे कितना दुखी, भाई मेरा दुख नहीं तुम्हारा ध्यान न रखो तुम्हें कम है एम के मन कहते हैं, अपनी प्रीति न पुत्र पर स्त्री पर इतनी प्रीति हो पर तमने कम मने न पूछ तमने कम थे कहते कि नहीं है मने तो मने तो हई रही हूँ एम के मने तो ताग ने बा हई रही पर तने केम छे हूँ होली से पण तने एनी प्रीति लागी छे ई प्रीति में पोता ने दुख ने पण भूली जाय छे समझ में आया है लागणी के भाई दुख नी दूर नी लागणी है एम या सुख नी लागणी हो गई है बराबर ओहो मेरा आत्मा आनंद अनाकुल शांत बाहर विकल्प करना है क्या समझ में आया विकल्प तो राग है दुख है बंद का कारण है आकुलता है समझ में आया जो जा में बसता रहे सोता में रुचि पाए जेमा जेनो ज्ञान बसू क्या तेनी रुचि पाए जो जा में रम जात रहे क्या क्या हरमी जाए समझ में आया आ परिस्थिति लंपटियो जो ने शरीर में जीर्ण थी जाए सही थी जाए रोग थी जाए मृत्यु देखे थोड़ा का तो अपनी प्रीति छोड़े नहीं समझ में आया अने सब अर्पणता कर दियो उसने क्या करना है जाना क्या जहां पड़ा हो क्या पड़े अज्ञानी जहां पड़े त्या दिन होकर पढ़ते हैं आई कहते हैं
भगवान आत्मा। देखो रुचि कराते हैं, रुचि पीछे लीनता त्याग करनी वो समझाते हैं। राग आदि आता है वो करने लायक नहीं, व्यवहार व्यवहार करने लायक नहीं आता तब खर्ची के यहाँ कहते हैं। व्यवहार का अभाव अभाव नित्य का आदर आदर समझ में आया। जो जा में वसता रहे सोता में रुचि पाए, ज्या ज्या तेनो संग थाय त्या त्या जेनी जेने घरिया जना क्या क्या तेनो वीर्य फुर्या विना रहे नहीं। क्या क्या जिसको जिसकी जरूरियात जानने में आवे उसकी जरूरियात में उसकी वीरी की पूर्णा हुए बिना समझ में आया। प्रभु तुम जान गरुची, प्रभु तुम जान गरी थी, सब जग देखता होला निज सताए शुद्ध सहुने देखता होला। ये नाथ हमारी सत्ता पर शुद्ध आप तो देखते हैं, समझे। प्रभु तुम जान गरी थी, प्रभु तुम जान गरी थी, सो जग देखता होला निज सताए शुद्ध सोने देखता होला। प्रभु आप ऐसे देखते हो, समझ में आया। तो हमारी निशुद्ध सत्ता शुद्ध 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 ने पवित्र है, ऐसी जिसको दृष्टि हुई उसमें लीन होते हैं। क्या निकले बात, समझ में आया। उसमें प्रीति जम जाती है, प्रीति जम जाए क्या रम जाते हैं, रम जाते हैं बाहर निकलते हैं। एम कहते हैं इसका प्रश्न का उत्तर दिया। आश्चर्य लगते हैं तुम तो ऐसी विलक्षण विभिन्न व्यक्ति की बात करते हो, ऐसे कैसे समझ कैसे क्या न समझे तुम तो सही समझ में आया। समझाई से नहीं आमा विद्यार्थियों, समझाई से नहीं आमा रम्मा में रुचि कितनी लागे ज्यादा रम्मा ने आई भणवा मान मान आ रहे रम्मा लगी हो थोड़ू मुकी ने गो चप्पल न्या रम्मा जाए हूँ तू तू जो कहीं करे ना हूँ बड़ी रमत करे। हाँ त्या करतल भाई त्या था पंडित जी पाठव राजकोट ए माधा तो काम करे कौन आम पाठ पकड़ी रखता था मरे तो एक छोकरो आम करते जो बड़ी जुदी जुदा रमत करता था दो जना एक पे एक पकड़ी रखा कड़ ने दो जना एक जनों पे पकड़वा जाए मोटा जनो बता एक नहीं हूँ कहीं खत्म करूँ पास रमता था। એમાં એવો અરજ કે એ છે કાંકરા હોય કાંકરા દૂર ઉડતી ગયો પેલે રાખ નીચે ભરવાનું ઘર હતું એકલી રાખ ઉડે 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 તો અમારી પાસે પ્રીતિ લાગી એમાંથી થશે એ કલાક ત્રણ કલાક એવું કરે ત્યારે પૂછો ઠીક પડે એમ ભગવાન આત્મા કી જીસો આનંદ કી રુચિ લાગી હે धर्मी की आत्मा में आनंद की रुचि लगी है तो उसको व्यायाम करने में ही खसे इसे व्यायाम करते ना वो पौनो कलाक ऐसा ऐसा समझ में आया। सोता तज नहीं जाए कहने तजी के जाए नहीं अपना आनंद को छोड़कर बाहर कौन जाए ऐसी दिशा होनी संभवित है और संभवित नहीं। जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है उसे आगे के श्लोक में आचार कहते हैं। प्रश्न है किसका अगछन तद विशेषाणाम अनभिज्ञ जायते अज्ञाना तद विशेष को बद्यते न विमुच्यते। देखो अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी अध्यात्म नाम भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप में विराजमान आनंद प्रभु ऐसी सम्यक दृष्टि को दृष्टि हुई है ऐसा अध्यात्म जीव दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता हुआ ये आत्मा का आनंद शिवाय ध्रुव शिवाय दूसरी जगत प्रवृत्ति नहीं करता हुआ
समझ में आया? शरीर आदि की सुंदरता समाधि धर्मों की ओर विचार नहीं करता। शरीर उसकी सुंदरता असुंदरता बाहर की कैम रहते हैं शरीर में, वाणी में कैम है, बाहर क्या स्थान कैसा मिला, ऐसी विशेष अवस्था सुंदर सुंदरता की, सुंदर सुंदर धर्मो भाई का उसकी ओर विचार नहीं रहते। अपना परमानंद सुंदर स्वरूप उसकी जिसको लई लागी है, समझ में आया? सुंदर असुंदर धर्मों की ओर विचार नहीं करता। जब उनके विशेषों को नहीं जानता, क्या कहते हैं, अपनी विशेष दृष्टि जब नहीं, अपनी दृष्टि भी सामान्य ऊपर है। समझ में आया? धर्मी की दृष्टि सदा सामान ध्रुव पर ही चलती है। तो अपना विशेष ऊपर भी जान लक्ष्य नहीं, तो पर पदार्थ की विशेषता देखकर विशेष देखकर हो कि पर्याय बुद्धियां न रही, तो पर को पर्याय बुद्धि विशेष से देखकर आदेश होता है, ऐसा आदेश उसको होता नहीं। समझ में आया? अपना विशेष स्वभाव भी जहां लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मण जोर तो सामान्य ध्रुव का है। क्या कहते हैं, समझ में जड़ी जड़ी बात हो, एक समय में सामान चाहे तो विकल्प हो, लड़ाई में हो, पर अंतर की दृष्टि का विषय तो सामान ध्रुव तरफ रुकी का प्रणमन हो गया है, वो सामान से खसते नहीं। समझ में आया? तो अपना सामान्य में से विशेष का और लक्ष्य नहीं, तो बाह्य पदार्थ की द्रव्य ध्रुवता गुण ध्रुवता सिवाय पर्याय की विशेषता देखकर आ विशेष ऐसा है, ऐसी पर्याय दृष्टि का जहाँ निषेध हुआ, या अपना द्रव्य दृष्टि का जहाँ आदर हुआ, तो पर पदार्थ की विशेषता का भी आदर न रहा, विशेष देखने को न रहा। समझ में आया? क्या किया कि उनके विशेष को नहीं जानता, नहीं जानता का अर्थ कि विशेष जो पर पदार्थ की पर्याय है, वो पर्याय उसकी इतना है, ऐसे उसकी दृष्टि नहीं। समझ में आया? केवल ज्ञानी को देखकर भी विशेष पर्याय को देखकर उसको प्रीति नहीं होती। अपने में जरी कमजोरी से सामान्य पर दृष्टि है, विशेष माजी पूरा फिर नहीं, तो राग आता है, तो ये केवल ज्ञानी की पर्याय है, माजे राग आता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? यहाँ अपना ध्रुव सामान्य ऊपर दृष्टि धर्म की है, त्या अपना विशेष का भी जहाँ आदर नहीं, त्या पर पदार्थ का ज्ञान करने में विशेष का विशेष है, आ स्त्री का सुंदर शरीर जो पर्याय तो विशेष है, विशेष है, ऊपर लक्षण ही उसका विशेष है, मैं क्या ठीक है, ऐसा लक्षण ही नहीं, विशेष का अंतर होता नहीं। बराबर समझ में आया? अपने में राग आदि हो तो पर पदार्थ की विशेष अवस्था है, इसलिए है ऐसा नहीं, क्योंकि अपनी दृष्टि सामान्य ध्रुव पर पड़ी है, विशेष ऊपर उसकी दृष्टि का जोर नहीं, अपना विशेष ऊपर जोर नहीं, तो प्रकार विशेष के कारण से राग द्वेष हो जाए, ऐसा बनता है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात इष्टोपदेश जो नहीं अगतंत तद विशेषणाम अनुभिघ्न। हाँ अनुभिघ्न से तो अनुभिघ्न से विशेष का जोर है, भले अतकार इतना किया दिया दी, पर अपना विशेष कर भी जोर नहीं,
समझ में आया। हाँ तो संयक दर्शन में आत्मा शुद्ध आनंद का दृष्टि हुई कि मानिक धम तो रुपा गया, पीछे हवे लगनी लगी आत्मा की, उसकी बात करते हैं। समझ में आया। जो कन्या को लगन करने को जाते हैं तो सब भूल जाते हैं लोग, हैं गायों देते हमारे नायका क्षण में गायों दे ऐसे कहीं लगन करने को आते हैं। लगन क्या कहते हैं, शादी, शादी पीछे यहाँ गायों देते बहुत है। आप गायों को समो न देखे क्योंकि उसकी दृष्टि कन्या लेने का है। लाभकारी बात कर पर कन्या लेने का हूं मैं आया, अरे गाय तो ऊपर लग नहीं करे है। पहले बहुत वर्ष की बात 57 में एक देखा था 57 की साल समझे ने भावन बहन तो लगन था। मैं पहले पहले वहां भी हूँ 9 नंबर 11 नंबर वरनी माँ तो मोती अड़ा ने गई थी एम बोली बोलता वर तारे आई मोजड़ी चाची एवं सांभले 57 की साल 57 11 वर्ष की उम्र ए डेरा वर्ष नु भाई ना सितंबर नु डेरा वर्ष त्या अमर उमरावाला में त्या लग्न किया था मैं साव भाई ने बहन ना लग्न 57 की साल 11 वर्ष की उम्र थी। चाहे बोलता फिर आप बोलेगा वर तारे आवी मोजड़ी क्या थी रे वरनो वरनी माँ मूतीड़ा ने गई थी रे हमके अर 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 कितना निकाल निवाद यार से पची तो कहूँ कहीं भाई समझू नहीं है क्या। हाँ इतना वर्ष हो गए समझ में आया। बोले थे कि नहीं भाई बोलो वर हम बोल तो थो बोले नहीं जम्बी जम्बी जी हाँ जम्बे टेम्पल जम्बे समझ में आया कि नहीं। वो मोजड़ी पड़ते ना मोजड़ी तो वो ऐसे बोलते हैं हमारे कि वर कर आवी मोजड़ी क्या थी आवी मोजड़ी हम फर्स्ट क्लास हम ऐसी कि निकी है नहीं माँ मूर्ति अरे नहीं करी गई थी यही आई थी इसमें कैसे आओ वहां बड़े तो बोल रहे हैं तो क्या उसका वो विशेष रूप लक्ष्य ये सामान्य स्त्री का लेना है एक लक्ष्य है उसको सब बात को छोड़कर तेरी कन्या ले जाना अहम धर्मात्मा सार विशेष अपना ऊपर लक्ष्य नहीं सामान दिया उसका विशेष ऊपर लक्ष्य हमारा आत्मा ध्रुव चिदान प्रभु उसकी सब लगने लगी है तो दूसरा को देखते आया। अपन क्या वो प्रसंग आया तो सीधी तेना हमारा हजार साइन जम्मा जम्मा बे गया ध्यान बोले बोलते जो आऊ बोले मारा एम तत्व सीधी हाँ क्या बोले मारा वाणिया में वहीं बोला तो फिर बोला आए भगवान अपन सामना जो वही मर के नहीं मामा तो कुटुंब क्यों सुने हो मगो रखना मगो समझ नहीं गंभीरता रखना। हाँ एम यहाँ कहते हैं मंजिल में मंजिल में बड़ी खबर हो गाम रहते नहीं घर न मकान ना खेलवा सीखो भले गंभीर हो तो नौ बोल नो करे वा होशियार माना से वो भाड़ी जाए तो हूं करे आई के अंदर मूड़ी दे कह दे भगवान आत्मा मेरा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसकी जहां धर्मी को दृष्टि लगी और उसको ही लगन करके एकाग्र होते हैं दूसरा का उपेक्षा कर देते हैं दूसरा की दरकार प्रथम प्रगति ऐसे ही किया। देखो अभिमुखेन अप्रतिपता एम से न अंदर देहाद अविशेषाणाम सौंदर्यादि असौंदर्यादि धर्मानाम अनभिज्ञम अभिमुख्य अप्रतिपता हम एक सन्मुख की लक्ष्य है नियम ये वो पाठ करना समझ में आया। दिगंबर संतों ने कथन पद्धति अल्प शब्दों में महान भर दिया है। भाव लिंगी संत था
संत मुनि छठे सातवें गुण स्थान झूलते थे, सच्ची चारित्र दशा अनुभव में थी। समझ में आया? उसका श्लोक में उसका भाव की क्या बात, क्या कहते देखो। अगछंतम तद विशेषाणाम अगछन अयुथन प्रवर्तमान स्वात्मनाम अन्य सुदेहादि विशेषण, शरीर भोजन सारी आबरू सुंदर पर्याय आबरू की, रूप की, गंध की, रस की, स्पर्श की, तो विशेष पर लक्ष्य है नहीं, क्यों अपना विशेष से लक्ष्य छूट गया है। अंतर सामान्य ध्रुव पर दृष्टि बड़ी आ गई है, तो विशेष का ज्ञान करते हैं पर विशेष का आश्रय करते हैं, दृष्टि छूट गई है। समझ में आया? धर्मी पर पदार्थ की पर्याय को देखकर सुंदरता सुंदरता भासते हैं, ऐसा है ही नहीं। तो भगवान आत्मा ध्रुव सामान स्वरूप का जो अनुभव संगत दर्शन हुआ तो कहते हैं उसकी दृष्टि में तो सामान्य परिवर्तन सामान तरफ पर अंतर्मुख परिणमन हो गया है, अंतर्मुख हो गया है, अंतर्मुख हो गया है परिणमन। समझ में आया? बहिर्मुख जो विकल्पात्मक परिणमन था, एक ही राग से एकात्मा होकर बहिर्मुख था, अंतर्मुख हो गया है। अंतर्मुख में तो सामान्य परिप्रतिक अनुभव है। समझ में आया? कि धर्मी उनका विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को प्राप्त नहीं होता। क्या कहते श्री सूक्ष्म कहते हो बोल, इतना स्पष्टीकरण टीका में नहीं बोल। अरे खर तो अपना विशेष को नहीं जानते हैं, पर क्या विशेष को नहीं जानते तो विशेष के देखकर जो राग ने द्वेष जो अनुकूल प्रतिकूल में आने वाला था वो उसको होता ही नहीं, उस काम से उसको बंद होता नहीं। समझ में आया? किंतु विशेष रूप से छूट जाता है। देखो क्या कहते हैं, पर की विशेषताओं अपनी विशेषताओं पर जहाँ लक्ष्य ने जोर नहीं, जहाँ अपना सामान्य तरफ जोर से विशेषपणे छूट जाता है, विशेषपणे शुद्धता बढ़ जाती है, एम कहते भाई है। आम विशेषपणा का लक्ष्य नहीं तो विशेषपणा बढ़ जाता है शुद्धता का, एम कहते। समझ में आया? गाथा में आए तो बहुत कहीं दुख सुनो। अगछंत अंग विशेषाणाम अनुजन जायती जायती, ये समान तरफ विनायक तरफ की दृष्टि घूटती है तो दूसरा का और अपना का विशेष तरफ का जोर नहीं दृष्टि में तो विशेषता उत्पन्न, विशेष का जोर नहीं तो विशेषता उत्पन्न होती है। क्या समझे? बड़ी बड़ी समझ में आया? काम शुभ करतुं शिविर से मुनि ना हृदय श्लोक बनता है कि त्यारे अलौकिक काम करता, उसका भाव कुछ है अलौकिक काम करते हैं। अलौकिक होता होगा तो भाव लिंगी संत है ऐसा भणकार उसमें उठते है। हाँ ठीक है, भगवान आत्मा अपनी अंतर एकाग्रता का विषय तो सामान्य है। समझ आया? चैतन्य अभेद ऊपर जहाँ एकाग्रता है क्या अपनी भेद का भी जोर नहीं तो पर की भेद विशेष अवस्था का भी जोर नहीं तो ऊपर की विशेषता का जोर में जो राग द्वेष होकर बंद होता था कि पर की विशेषता स्वर की विशेषता न रही, अपना सामान के अंदर मायिका का विशेषता हुई तो पर्याय में विशेष शुद्धता प्रकट हुई।
वो निद्रा वो योग बंद होता था। विशेष लक्षण पर के विशेष में बंद का कारण होता था। अपना विशेष आश्रय है कि पर का विशेष देखने का ठीक ठीक ऐसी परिया दिखती थी, द्रव दृष्टि नहीं थी तो बंद होता था, बंद होता था। यही दृष्टि जब सामान ध्रुव पर गई तो अपना सामान तरफ लक्ष्य करने वाला धर्मी अपना विशेष में जोर नहीं तो पर पदार्थ की ज्यादा विशेष अवस्था है। सुंदर ठीक ठीक वो ठीक ठीक के कारण प्रीतिय प्रीति उसको नहीं उपजती। समझ आया? तो प्रीतिय प्रीति जो उपस्थित थी ठीक ठीक विशेष देखकर ये नहीं उपजती है तो अपना सामान ऊपर जोर तो अपनी निद्रा की विशेषता उत्पन्न होती। निर्मल होती जाती है, विशेष बढ़ता जाता है। विशेष तो बात से नहीं तो विशेष बढ़ जाता है। मारे भारे बात भाई समझ में आया अजित प्रसाद जी। वारे वाह, ये अमृत ना रेलम छेला चाले पास एम क्या निकले वो भाव से कहते क्या हरे भगवान भाई अगछंत विशेषाण अनभिज्ञ जाए थे परमा तो जेम ज्ञान जोर करतो नहीं है पर मैं विशेष का जोर ही नहीं ज्ञान का। अपना सामान को देखकर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान यथा हुआ है और अपना सामान पर्व का जोर में से विशेष का अपना विशेष में पर का विशेष का जोर नहीं तो अपना सामान के जोर में विशेष बढ़ जाती है, शुद्धि बढ़ जाती है, धर्म बढ़ता है, धर्म निद्रा होती है, मोक्ष मोक्ष होता है। समझ में आया? समझ में आया? विशेष रूप से छूट जाता है। वाह, अर्थ मत हुआ कि विशेषण व्रत अनुष्ठान रूपी अतिरेकन उच्यते व्रत आदि का विकल्प है उससे भी यहाँ सामान्तर विशेष जोर है, निद्रा बहुत बढ़ जाती है एम कहते हैं। व्रत आदि ना विकल्प है पंच छठे गुणस्थान है उसका तो अंदर में जा भीड़ में सामान में विशेष हो गया निद्रा बहुत बढ़ गई, निद्रा बढ़ गई, व्रत छूट गया तो निर्विको निद्रा बढ़ गई क्योंकि व्रत है निद्रा होती है। सुन तो सही प्रभु, व्रत का भाव तो विशेष है, विकल्प है, राग विशेष है, पाठा निर्मोल पर विशेष नहीं तो राग विशेष है, तो राग विशेष निद्रा होती है। कहते हैं अर्थ में लिखे तो व्रतादि का आचरण बोल बोला अर्थ न किया व्रत में शुद्धि थी हूँ लिखने समझा जी ने अर्थ करे आचार ना क्या अभिप्राय है ये व्रत थी हम निर्द्रा था व्रत आए तो कहते व्रतादि का आचरण करने वालों की अपेक्षा भी कर्मों से ज्यादा छूटता है। छठा गुणस्थान में व्रत आदि का विकल्प है पर यह अंतर के छुटकर अंदर में एक आकार आया विशेष निद्रा हो गई। प्रमाद काल के निद्रा अल्प थी, निद्रा का बंद था तो व्रत में से छुटकर लीन हो गया, शुद्धि विशेष बढ़ गई, निद्रा विशेष बढ़ गई तो व्रत से क्या निद्रा थी। समझ में आया? प्रमाद काल में विकल्प था, जितना शुद्ध स्वभाव का आश्रय में जितनी निर्मलता है उतनी तो समनिद्रा है। पर प्रसादी काल छुराई पर जब अंतर में विकल्प छोड़कर निर्विकल्प हुआ तो विशेष तो विकल्प आ व्रत है ना आ विशेष है नहीं तो सब छूट गया तो निद्रा विशेष हो गई, शुद्धि की बढ़वारी हो गई, सिद्धि की बढ़वारी। समझ में आया? आ उसका विशद अर्थ है वो थोड़ा किया ना अर्थ लिया उसका विशद अर्थ है।